सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अगेन मायवन शटरिंग के ऊपर आ गया इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर लाइव ऑन साइट की, क्योंकि क्वेश्चंस जो अराइज हो रहे हैं गाइस बहुत सारे क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सोचा एक और वीडियो ला दूं ताकि चैनल पे ईच एंड एवरी थिंग रहे मायवन के बारे में। ओके, अकॉर्डिंग मायवन के जो भी मायवन के रिलेटेड है वो सब कुछ रहे चैनल पे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मायवन शटरिंग का फुल कोर्स फ्री में आपके लिए प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैं, आप 8 से लेकर Z तक सारे मायवन के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं, प्रोसीजर, इंटरव्यू क्वेश्चन, एसेसरीज, एवरीथिंग, प्लम्बिंग सिस्टम, एवरीथिंग आप देखेंगे तो। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक्स है प्ले वो आप चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं जॉब्स पोस्ट करता हूँ और इंडिया लेवल पे जो मेरे पास आते हैं जॉब्स वो सारे फॉरवर्ड करता हूँ मैं चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइस टाइम ना वेस्ट करते हुए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, इससे पहले तो मैंने 2 इंटरव्यू क्वेश्चन डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी चेक कर सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ओके, अभी आफ्टर कास्टिंग का क्या प्रोसीजर है, स्लैब जब कास्ट हो गया तो उसके बाद करना क्या है गाइस, क्या क्या करते हैं उसके बाद। सबसे पहला पॉइंट देखिए, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि व्हाट टू डू आफ्टर का स्लैब कास्टिंग, मायवन का स्लैब कास्ट हो गया तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, आपको करना क्या है। ओके, सबसे पहला तो अपना रिइंफोर्समेंट होगा, देखो रिइंफोर्समेंट इज़ इन प्रोग्रेस है, ये वॉल बचा हुआ है, ये सब रिइंफोर्समेंट हो गया है। ओके, सो रिइंफोर्समेंट आपको एक पूरा प्रोसीजर बताना पड़ेगा। ओके, तो रिइंफोर्समेंट पहला पॉइंट है, उसके बाद आपको ग्रिड लाइन मार्क करके लेना है, सर्वेयर से आपको पॉइंट लेना है, चेक करना है, इसका लेवल भी चेक करना है कास्टिंग के बाद। ओके, और बिल्डिंग थोड़ा सा शिफ्ट तो नहीं हो गया 10 mm 15 mm, वो एक चेक करना है, ग्रिड लाइन मार्क करके लेना है XY का, फिर ठेसी मारना है। ओके, ठेसी मारना है, ठेसी मारने के बाद आपको मायवन खड़ा करना है। अभी ठेसी क्या है, ओके, तो जैसे ये भी ग्रिड लाइन से मेरा ये यहाँ पर आया है, अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर आया हुआ है लाइन। ओके, तो मैं पहले ठेसी मार्क कर लूँगा, ये होती है ठेसी गाइस, इसमें कीला मार के ये ठेसी है, जो पैनल रहता है गाइस जो वर्टिकल खड़ा होता है उससे 5 mm बैक करके मारना है, क्योंकि प्लेट जो रहता है मायवन का वो 5 mm थिकनेस का रहता है। ओके, सो ये अपना हो गया आफ्टर कास्टिंग, कॉलम रिइंफोर्समेंट, जो भी रिइंफोर्समेंट है वो होगा, ग्रिड लाइन और ठेसी वर्क, उसके बाद मायवन शटरिंग आपका खड़ा हो जाएगा। ओके, एक दूसरा गाइस, दूसरा क्या है कि कीकर क्या है, व्हाट इज कीकर गाइस। सो जिसपे मायवन को हम मायवन खड़ा करते हैं, देखिए 2 सेट ऑलवेज कीकर का जो रहता है वो 2 सेट रहता है गाइस, 1 सेट नहीं रहता है, 2 सेट रहता है। ये मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, अगर ये देखिए 1 सेट ऊपर लगा हुआ है, ये देखिए DS है, DS के नीचे 1 सेट लगा हुआ है ये वाला, उसके नीचे देखिए एक देखिए दिख रहा है उसी के सेम, वो 2 सेट रहता है कीकर का। अगर कीकर आपने नहीं डाला या कीकर छूट गया या निकल गया तो आप पैनल नहीं खड़ा कर सकते। ओके, सो कीकर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन लेवल के लिए, ईच एंड एवरीथिंग के लिए। 125 mm का कीकर रहता है गाइस, आपको दिखा दूँ मैं, अगर यहाँ से दिखेगा तो ये देखिए, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए गाइस 125 x 1215। ओके, तो 125 mm का कीकर रहता है गाइस, 125 में से 75 mm कास्टिंग में चला जाता है स्लैब का, ताकि ये जो कीकर का बोल्ट है गाइस, ये देखिए ये बोल्ट दिख रहा है, वो देखिए वो बोल्ट दिख रहा है, वो अंदर जाम हो जाए। ओके, जाम होगा तो कीकर फिट हो गया, तो उसके ऊपर मायवन प्रॉपरली खड़ा कर सकते हैं अगले स्लैब के लिए। ओके, और 50 mm, ये देखिए 50 mm कैसे छोड़ा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए स्लैब के ऊपर 50 mm आपको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि RK जो अपोजिट साइड का RK रहता है वो 50 mm का रहता है, तो दोनों प्रॉपर हो जाता है, दोनों साइड से बराबर आपका हाइट मिल जाएगा। ओके, तो ये कीकर की बात हो गई गाइस। अभी प्रिकॉशंस, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग कास्टिंग आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है मायवन शटरिंग के अंदर, कन्वेंशनल की बात नहीं हो रही, मायवन शटरिंग के अंदर। सबसे पहले तो निडल वाइब्रेटर रहना चाहिए आपके पास कास्टिंग, ड्यूरिंग कास्टिंग। ओके, निडल वाइब्रेटर, स्किल्ड मेसन। ओके, ताकि लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्किल्ड मेसन। ओके, अप डाउन हुआ तो आपका पूरा बिल्डिंग अप डाउन हो जाएगा, तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, स्किल्ड मेसन, वाइब्रेटर, निडल। ओके, एक फिटर कारपेंटर। ओके, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो नीचे फ्लोर रहेगा गाइस, जैसे ऊपर का स्लैब कास्ट हो रहा है उसके नीचे का जो फ्लोर रहेगा वहाँ पर आपको 4 कारपेंटर चाहिए विथ वुडन हैमर। ओके,
चार कारपेंटर क्यों चाहिए विथ वुडन हैमर, ताकि वो हैमरिंग करके वो जो सारे बंड वॉल है गाइस, वो सब जो बंड वॉल है, विंडो के बंड वॉल है, ये छज्जा है, तो ये खाली ना रहे, उसको हैमरिंग करके प्रॉपर चेक करना है कि कहीं हॉलो तो नहीं है, खाली तो नहीं है, तो वो सारा रफ ना आए, इसीलिए चार कारपेंटर नीचे रखना है ताकि वो प्रॉपर आपका कास्टिंग हो। ओके, सो ये बहुत बहुत प्रिकॉशंस है। और माइवन का जो कंक्रीट का फ्लो है वो अच्छा रहना चाहिए, 600 mm above रहना चाहिए, ताकि प्रॉपर सब जगह पोरिंग हो, सब जगह कंक्रीट बराबर से जाए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फोर्थ क्वेश्चन है गाइज, वो क्या है अपना वोल्टाई, वोल्टाई जो रहता है, वैसे ये वोल्टाई मैं आपके सामने एक निकाल के रखा, तो ये वोल्टाई जो लगाता है ये क्या है, ये मेन सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ माइवन शटरिंग वोल्टाई है। देखिए आउटर है, आउटर के अंदर ये सारे वोल्टाइज लगे हुए हैं ऐसे ही, ये देखिए द मेन सपोर्टिंग सिस्टम, देखिए सारे वोल्टाइज लगे हुए हैं लाइन से। तो वोल्टाई के बारे में एक चीज़ बता दूँगा इस कि वोल्टाई जो भी वॉल रहेगा, जैसे 200 का वॉल है, ये जो वॉल है, ये जो वॉल है इसका थिकनेस अगर 200 है तो वोल्टाई 380 mm का रहेगा, 180 mm जो है वो ज़्यादा रहेगा वोल्टाई, यानी कभी भी कोई भी वॉल ले लो आप, 300 का वॉल रहेगा तो आपका वोल्टाई जो रहेगा वो 480 का रहेगा, 180 mm ज़्यादा रहेगा। ओके, तो जब मेन सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ माइवन शटरिंग क्या है, वो वोल्टाई है, वोल्टाई आप नहीं डाल सकते तो आपको वेलर डालना है। ओके, बराबर प्रॉपर कीकर के ऊपर देखिए माइवन खड़ा है, प्रॉपर कीकर जाम है नीचे, माइवन खड़ा है, माइवन के ऊपर ऐसी प्लेट लगा हुआ है और वोल्टाई से दोनों साइड सपोर्टिंग प्रॉपर किया हुआ है। ओके, ये हो गया चौथा। पांचवा क्वेश्चन ये है गाइस, इसकी जो आउटर का आपका सपोर्टिंग होता है वो कैसे होता है, आउटर का लाइन होता है वो कैसे होता है, क्यों मैं दिखा दूँ यहाँ पे गाइस, कि जैसे सोल्जर, उसके बाद अपना टायरॉड, टायरॉड के बाद वो जो दिख रहा है आपको वो विंगनट है, विंगनट, तो लाइन लेवल ईच एंड एवरीथिंग ऑफ आउटर, जो आउटर रहता है, आउटर का जो पार्ट रहता है अपना आउटर जहाँ भी रहता है। ओके, एक तो जॉइंटर से जॉइंटर मारते हैं, दो प्लेट का जो जॉइंटर होता है, जॉइंटर मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, जॉइंटर के बाद आपको सोल्जर लगाना है, ये जो ये बॉक्स दिख रहा है गाइस, ये जो बॉक्स वाला पाइप दिख रहा है इसको बोलते हैं सोल्जर, जो उसके अंदर वो गोल सा दिख रहा है वो है विंगनट, और ऐसा जो निकला हुआ वो है टायरॉड। ओके, तो इस चीज़ से आपको लाइन लेवल प्रॉपर चेक करना है, और लाइन लेवल इसने करना है कि तक अपना प्रॉपर फिनिशिंग में बिल्डिंग आए। देखिए गाइस वहाँ पे भी सोल्जर लगा हुआ है। तो ये हो गया पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माइवन शटरिंग की, आउटर का लाइन लेवल कैसे करना है, और बिल्डिंग इसलिए लाइन लेवल करना है ताकि यहाँ से जो मापी वहाँ तक है वो मापी मिले, प्रॉपर सब कुछ मेजरमेंट में रहे। तो ये अपना पांच क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए गाइस, ताकि बराबर से आप पूरा नॉलेज ले सके, पूरा सीख सके। ओके।